मम्मी बोली है मुझे खुश जाना है मम्मी। आपका एडमिशन होगा मैशू आज। चावल का हलवा बनाया है। चावल का हलवा। स्कूल मुझे पसंद आ गया। और कैमरे को देखो भैया के कैमरे को देखो। हाँ ये तुम सही कह रहे हो। एक बार मैंने एडमिशन करा दिया और अभी मम्मी को बताने की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। मैंने शायद कहाँ पे जाना है? स्कूल जाएंगे। हाँ। कौन जा रहा है स्कूल? मम्मी। क्या करने जाओगे? मम्मी बोली है मुझे स्कूल जाना है। मम्मी स्कूल जाना है? मम्मी बोली है। मम्मी ने बोला है? हाँ। स्कूल जाना है? हाँ। तो मैं कपड़े पहन लूँ? हाँ। नहीं जा रहे स्कूल? नहीं जा रहे स्कूल? जा रहे हैं। अच्छा ठीक है स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं। पहन रहा हूँ कपड़े पहन रहा हूँ। A few moments later। आशु एक से बात बताओ, अब आप स्कूल जाओगे, आप डेली ऐसे करोगे? यस पापा। मैं शुगर ऐसे करने लग गए तो फिर स्कूल के लिए तो आपको एक घंटा पहले। अभी आपका एडमिशन होगा मैशू आज। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल वासा ड्यूगर। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फाइनली भाई वो दिन आ चुका है जब मैं और शायद अपनी औलाद को मायशा को यार स्कूल एडमिशन कराने जा रहे हैं। और मतलब परसों से, मतलब 1 अप्रैल का से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। जल्दी कितने जल्दी दिन निकल रहे हैं कि यार कमाक्षी यार माइश यार कमाक्षी यार माइश स्कूल स्टार्ट होने वाला है। सोच इतनी जल्दी, अभी तो पैदा हुई थी, अभी तो हमारी शादी हुई थी। जंप कर चलो 1 2 3 गुड गर्ल आ जाओ बेड में आगे साफ करूंगा। नहीं, 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 मैं ऐसी नहीं, बिना बेड साफ करे कमरा साफ करे नहीं निकल। वो तू इमेजिन कर रही है स्कूल जाने वाली है इसलिए तेरे को बड़ा लग रहा है। हाँ सुनो, वहाँ की प्रिंसिपल कहती ऐसे कुछ बात हो रही थी, हमने बोला हाँ जहाँ हम गए थे हमने वहाँ पे बोला, मैंने कहा नहीं मेरी सिस्टर इन लॉ भी स्कूल की टीचर है, तो कहती अच्छा वहाँ पे पढ़ाती है, मैंने कहा तो कहती आप बात करना मेरी बेटी के लिए उसके बाद, मैंने कहा अच्छा ठीक है। स्कूल में नहीं लगाते मेकअप नहीं करते हैं। उसकी बेटी एपीजी समथिंग स्कूल में है, तो कह रही थी उसको पास में चाहिए होगा या होगा मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा पूछ लूंगी। A few moments later। घर के अंदर चावल का हलवा बनाया है। आधे घंटे पहले चावल बने। चावल का हलवा मैंने कहा भाभी बंद कर तू। अच्छे थे ये ना, पक गए ये कुछ खीर बना दो। जब तक खाऊ ना तो बोल नहीं सकता यार, दिखने पर चल रहा है यार, यार दिखने पर चल रहा है। नहीं हुए हलवे भाई, तुम लोग तो और बातें करते हो, आप पानी नहीं डालना इसमें। अभी अभी हलवा तू खाइयो पूरे दिन बैठ के। मैं दिमाग लगा रही हूँ क्या बनाऊँ मैं, तुम तो जा रहे हो। कौन नहीं जा रहा? सीधे मुंह पे बोल देती यार देखिए आप नहीं जा रहे। चल ये लो लो तुमसे बड़ी जिद्दी हूँ, यहाँ तक आओगी तो गोदी लूंगी, यहाँ तक आओगी तो गोदी लूंगी। वो मेरे को देख के मांग रही है यार, हमसे बच के इस तभी अकेले भाग जाती है उतर के यार। वही मैं कह रही हूँ अपने मन से करती है, ऊपर नीचे आती है पूरे दिन, ऊपर नीचे अकेले करती है पूरे दिन ऊपर नीचे। हाँ मम्मी को बोलो आप मत आओ, हम पापा और मम्मी जा रहे हैं। मैं नहीं आऊँ बोलो, मेरे को मैं ना आऊँ? आओ तो मम्मी के साथ जाओ ले लो। आजा गोदी ले लो, आ जाएगी वो बाय माऊ मैं उसकी। नो कंपैरिजन बिटवीन मामाज एंड एनीबॉडीज गाइस। हमसे पहले का एडमिशन और चल रहा है तो मायशु, इसलिए मुझे पता है कि मायशु प्ले स्कूल के लिए कर रही थी। प्ले स्कूल कितना प्यारा है। स्कूल मुझे पसंद आ गया और अब फॉर्म भर के हम इसका एडमिशन करा रहे हैं अब नहीं, अब मायशु का एडमिशन अब इसी स्कूल में करा रहे हैं। मायशु बाहर तो मस्ती की जा रही है, मायशु आ ही नहीं रही, तो उनके साथ एक टीचर लगी हुई है वो उसे खिला रही है, वो आ ही नहीं रही है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं नर्वस और एक्साइटेड दोनों हूँ यार, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अपना खुद का एडमिशन करा रहा हूँ। A few hours later। हमें एक्चुअली मायशू की ड्रेस लेनी है, खुशी का प्रोग्राम है ना, तो क्या अकेले अकेले मस्ती में घूम रहे हैं क्या? आपके पास बहुत सारी साइकिल है, आपके पास मायशू 3 साइकिल है और सेम है। मायशू नहीं, मायशू गंदी बात। चलो वो भाई ये उतार रही है, कह रही मैं नीचे चलाऊंगी। चलो जल्दी आओ, बैठियो आराम से बैठियो, बैठियो। ब्लैक गर्मी में बहुत बुरा हाल कर देगी। ये ठीक है साइज, ये ज्यादा बड़ा लग रहा है, फ्रॉक थोड़ी छोटी पसंद है। इधर आओ, कम कम। अरे यार एक तो ये दोनों माँ बेटे थक गए हो 2 मिनट के अंदर। एक बार खड़े हो जाओ, आपको फिर साइकिल मिलेगी, जल्दी खड़े हो जाओ। तो वो खड़ू से साइकिल चाहिए हो। फाइनल कर रहे हैं, एक तो ये है, अब आप बताओ ये शाही की पसंद है
और एक ये वाली ड्रेस है। मुझे ये वाली पसंद है क्योंकि अप्रैल के महीने में ब्लैक कलर देख के ना डर सा लगता है, वो भी चिकना कपड़ा देख के ना। अभी भी कहूँगा ये अच्छी लग रही है, तो ये ले लो। अच्छा ये ले लो भाई, ये बहुत अच्छी ड्रेस है, पसंद की थी, शायद दोनों निकाल दी। ऐसे एक ये नहीं, एक ये मैंने पसंद की थी, ये निकाल दी, और एक मेरी पिंक ड्रेस, दोनों निकाल दी। ठीक है, सही है बेटी, तुम्हारी सिर्फ अकेले की नहीं है शायद। सही है, समझ सकता हूँ मैं, बेटी सिर्फ तुम्हारे लग की नहीं। ये बताओ, इधर आओ चल जाएगा। A few moments later, मिशु की हमारे पास बहुत सारे फोटो है, पर हमारे पास उसकी पासपोर्ट साइज नहीं है। और स्कूल में पासपोर्ट साइज मांगी और हमारे पास नहीं थी, सामने का उसी तरह क्लिक करवा के ला रहे। तो मिशु का पासपोर्ट साइज तो आपके, आपकी बहुत सुंदर सी फोटो खींचेंगे भैया। ठीक है, जल्दी बैठो। मिशु आपको आइसक्रीम चाहिए तो थंब निकालना पड़ेगा और एक फोटो क्लिक करानी पड़ेगी, बहुत अच्छी सी। जल्दी थंब निकालो, आइसक्रीम मिलेगी बाहर से। ये देखो क्यों स्माइल करो भैया, स्माइल करके दिखाओ। सीधा सीधा सीधे बैठो, सीधे बैठो। हाँ गुड गर्ल, हो गया। नहीं ऊपर देख रही है, स्माइल कैमरे को देखो भैया, के कैमरे को देखो। ये एक आइसक्रीम क्या क्या करवाती है। हाँ भैया चल जाएगी, ठीक है, हाँ चल जाएगी। माशु के कपड़े, दीदी के फंक्शन वाले ड्रेस। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी और मेरी भी लगेगी, मेरे पास नहीं है, मेरे को भी करानी है। पर वो पतले वाली है, शायद पहचानने वाले। हाँ जब आप पतले थे, ताना कसती है, फिर हमारी लड़ाई होती है, फिर रोती है, फिर मैं मनाता हूँ, फिर ताना कसती है, फिर ठीक है फोटो चलती है। हाँ ये तुम सही कह रहे हो, ये आज एटलीस्ट तुमने इस बार तुमने माना तो सही, तुमने माना। यस यस, नहीं नहीं तुमने ये चीज बोली, तुम रीटो बस, आज तुमने चीज मानी बहुत सही। घर वाले सारे आ चुके, ये सारे सूट साठ भर के देख रहे हो। ये खुशबू क्या जो भी जाएगा ना लगेगा पीलिया। आपने शाय का ब्लॉग देखो, शॉपिंग करी थी, गिव एंड टेक वाले सारे सारे खुशबू पीलिया में, जितने भी लेडीजों के सूट हमें देने हैं। और बहन एक ऐसी चीज होती है भाई, बहन को जितना दो उतना कम है, जितना दो उतना कम है। ये घर वालों ने मुझे सिखाया है, ये जिंदगी भर रहेगा। लहंगा सूट गर्मी हो रही है, मतलब जीन्स टी शर्ट, जीन्स टी शर्ट साड़ी पहनोगे? आपने आज तक नहीं पहनी ना साड़ी, बस सूट ही पहने। शादी के बाद तो पहनी होगी, शादी के बाद आज तक एक दिन भी साड़ी नहीं पहनी, एक बार नहीं, शादी में भी नहीं पहनी। शादी की कौन सी चीज चीज लगी थी? सूट में शादी भी थी, लहंगा में कुछ नहीं। अरे लहंगे नहीं, पर पापा ये घाघरा चोली वगैरह, घाघरा वगैरह तो ये तो पुरानी ट्रेडिशन है। अच्छा लहंगा सबसे पहले पूरे गांव में, सबसे पहले मम्मी का एक ये फैशन है कि बताओ शादी सूट में की है, और एक आज का फैशन है कि घंटे के हिसाब से बदलता है। अच्छा मेरे दादा ने मम्मी को शादी में लहंगा चढ़ाया था सबसे पहला गांव से, बाकी उससे पहले चढ़ाओ थोड़ा, बट हमारे गांव की बात हो रही है। चलो ये भी ठीक है भाई, माजीन आज तक साड़ी नहीं पहनी, लहंगा नहीं पहना, माजीन की शादी सूट में मुझे आज पता चला। अच्छा पहले जमाने में सूट में ही होती थी, पहनता था लहंगा। Meanwhile थप्पड़ मार दो, क्या बना रखी है उसकी बदतमीज मैं, ये अच्छा लग रहा है तू ये करते हुए। कमाक्षी यार तेरे को परेशान करना है, इतनी अच्छी हो गई और तू यहाँ पे इस घर में 5-6 महीने और है, तेरे को भी परेशान ना करूँ। 5-6 महीने क्या पता, एक साल थप्पड़ मार दूँगी। ओए मुझे लगा चली गई है, मुझे सच में लगा तू चली गई है। मैं सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा सॉरी, मुझे लगा तू चली गई, सॉरी। A few hours later, मम्मी कैसे लग गया? अभी तो तुम नहा के आई हो, जस्ट मुझे नहाने जाना है। मम्मी आ गई है नीचे, लेकिन हम लोग तो करा के आ गए। एक्चुअली ना मम्मी को मैंने दोनों पहले माइंग से पहले ना मैंने मम्मी को दोनों स्कूल दिखाए थे। पहले वाले में मैं माइंग मम्मी गए थे, और दूसरे वाले में मैं और मम्मी गए थे, क्योंकि ठीक है बड़ों की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है, उनको भी दिखाना होता, तसल्ली होनी चाहिए। तो मम्मी को दिखा के लाई थी, मुझे पर्सनली जिसमें हमने एडमिशन करा दिया है उसको वही पसंद आया था, क्योंकि मेरे को चाहिए मायशा को ज़्यादा फेस और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि बड़े स्कूल में जब वो जाएगी तो सारी चीज़ें वो कर पाएगी। ठीक है, मम्मी का ये था कि भाई कल को अगर तुम नहीं जा पाओगे, मम्मी को स्कूटी गाड़ी नहीं आती, तो मम्मी कह रही है मैं पैदल ले आऊंगी। ये घर के पास था एक, उससे थोड़ा सा 200 मीटर आगे एक स्कूल और था,
पर वो बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा इन द सेंस वहाँ पे आराम से आपके होंगे 100 बच्चे और एक्टिविटीज करिकुलम एक्टिविटीज हैं, आपके वो हैं एनुअल डेज हैं, बाहर लेके जाते हैं, सब कुछ है, मतलब बच्चे को एक्सप्लोर करने को मिलेगा, काफी ज्यादा बच्चे मिलेंगे और उसे घर वाली फील नहीं आएगी, उसे स्कूल वाली ही वाइब आएगी। हाँ, जो मम्मी ने कितने और जो हमने पहले सोचा था कि इसमें कराएंगे घर के पास है, वो एक फ्लैट की तरह था, घर के अंदर बना रखा फ्लैट की तरह था और वो ना था तो अच्छा, मैं बुराई नहीं कर रहा, पर वो है कि वो उसके अंदर ना माशो स्कूल वाली कभी फाइव नहीं आती। घर वालों ने बोला था कि इसी में करा देते हैं और मैं गया और मुझे वो पसंद आ गया। कौन सा? जिसमें आपने अभी देखा, जो मैं जिसमें एडमिशन लगाया, मैंने देखा और मैंने एडमिशन करा दिया और अभी मम्मी को बताने की हिम्मत नहीं हो रही है कि मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। अब मम्मी को कैसे बताएं कि भाई हम तो एडमिशन करा के आ गए, अब ये काम शाय का है, ठीक है, मेरा है। यस, मम्मी ने मुझे बोला था जहाँ तुम्हें सही लगे तुम लोग देख लेना, क्योंकि ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे डिसीजन लेना है हम लोगों को। जाओ बोला कब तक? मम्मी उनका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। मम्मी को बोलना भी हमने कराई नहीं एडमिशन, प्लीज। नहीं नहीं, पहले पूछो मम्मी कौन सा स्कूल सही है, कहाँ घूम कर रहे हो? अच्छा, हम स्कूल देख के आ गए थे जो आपने बोला था, माइन को दिखा दिया मैंने, माइन को तो दूसरा वाला ही पसंद आ रहा है। मुझे जो फर्क लगा दोनों स्कूल में, चलो माना कि वो स्कूल पास है, पर उस स्कूल में ना स्कूल जैसी वाइब नहीं थी। माशू को मुझे लगता है वो घर के अंदर ही है, किसी अपने दोस्तों से घर के अंदर खेल रही है। अभी वाला स्कूल जो हमने देखा ये बिल्कुल स्कूल वाली वाइब थी, बच्चे ज्यादा हैं। अब पापा का भी कहना है कि कम बच्चे होंगे तो ध्यान दे पाओगे। भाई कम, मेरे देखो मेरे अपने पर्सनल चॉइस है। हां बताओ कि मुझे नजदीक वाला स्कूल ज्यादा अच्छा, बच्चे कितना फर्क है? 200 मीटर फर्क है मम्मी, 100-200। गर्मी है इतनी ज्यादा, गर्मी में देखो वो मर्जी तुम्हारी है, पर फुल्ली ए सी है स्कूल, पर वो ये भी फुल्ली है। हाँ, माना। पर छोटे स्कूल में ना जो प्रिंसिपल, हाँ, प्रिंसिपल होती है उसका भी ध्यान था, टीचर्स भी कम है और बच्चे भी कम तो है। मतलब कहने का तो मतलब आपका ये है कि कल को माशू के लिए हमें एक पर्सनल स्कूल खोलना पड़ेगा? ध्यान नहीं, नहीं पर्सनल की बात नहीं होती, अभी उसको बहुत बड़े स्कूल की जरूरत नहीं है, अभी उसको बहुत छोटे बचपन से ही जो चीज मैं मुंबई कर निखिल को फॉलो करता हूँ, मैं यही सोचती हूँ, ठीक है। उसकी उनकी बेटी मेरे से कुछ टाइम के बाद पैदा हुई थी और उन्होंने हमसे 6 महीने पहले से स्कूल में डाल रखी है। हाँ, दुनिया डाल दी थी, एक साल ढाई साल का ही। नहीं सुनो, माशा प्री में जा रही है, एक्चुअली लोग प्ले में भी डालते हैं बच्चों में भी डालते हैं, सही कह रहे हैं, हमने नहीं डाला। इसमें यहाँ से मैं पैदल ले आता हूँ, पापा ले आएंगे। इतने छोटे बच्चे के लिए वैन कौन लगाने जाता है मम्मी? 500 मीटर की डिस्टेंस पे मैं यहाँ से अच्छे खड़ो के देखूँ उसको स्कूल दिखाई देगा? कैसी बात कर रहे हो? छोटी तो मैं चाहती थी घर वाला माहौल मिले, अभी एकदम से स्कूल वाला नहीं। मम्मी माइशू को आज कुछ खाने का मन है तो वो हम रोए के ना तो वहीं से जाके मांग लेगी और बच्चों के हिसाब से ही बना रखा है। और मम्मी पूरा बेसमेंट पूरा प्लेग्राउंड है, जितना इनका वो था ना स्कूल था उतने में सिर्फ क्लासेस है, उसके बाद उतना ही बड़ा सेक्शन पूरा प्लेग्राउंड है और अंदर से कनेक्टेड है, बाहर से कुछ रोड नहीं है, अंदर से सीढ़ी कनेक्टेड है। मुझे पर्सनल बेसिस बताऊं, मुझे पास वाला अच्छा लगा। अरे सिर्फ पास की वजह से? नहीं, पास वाले में ना सिर्फ पास की वजह से थी कि मैं चल के जाऊंगी और चल के वापिस आ जाऊंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं और मायशु के दादू सब संभाल लेंगे। जब तक आप नहीं छोड़ोगे बच्चे को, उसका पहला दिन कभी नहीं आएगा। मैं भी नहीं छोड़ पाऊंगी। अभी कटवा के आया हूँ कल ही। अब आपको एक चीज बताते हैं, हम आपको बताओ शायद बताएगी। हम एडमिशन करवा के आ गए, उसमें एडमिशन में करा दिया, हमने पेमेंट कर दी है। पेमेंट कर दी, फीस भर दी। मैंने शायद ने बोला कि मम्मी से पूछ लो, मैंने कहा मैं भर रहा हूँ फॉर्म, मैंने भर के दे दिया। मम्मी दो ही दिन बचे। अच्छा खुद सोचो, अरे मेरे मम्मी मेरी बात सुन लो, मम्मी मेरी बात सुनो, बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेंगे। अब मेरी बात तो सुनो, अगर आज हम लेट करते हैं, परसों से सेशन स्टार्ट है, कल संडे पड़ जाएगा, तो मतलब कैसे होगा? तो इसलिए मैंने कहा फैसला ले लो, उसकी फिर पासपोर्ट साइज फोटो भी करा ली हमने, ड्रेस वगैरह सब वहां से मिलेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बस हमें अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स देके आने हैं। हां, हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, करा दिए तो फिर ठीक है, तुम जो भी करा ठीक है, पर अगले स्कूल में बैठे अच्छे, जिसमें गेम वगैरह सब कुछ हो। मम्मी मैं मायशू को चाहता हूँ कि वो पढ़ाई करे उतनी जितनी जरूरत हो, उसके बाद वो अपने मर्जी से कोई स्पोर्ट्स या कोई अलग से एक कोर्स या कुछ भी जो उसका मन करे, जो भी उसका मन करे वो एक चूज करे। स्विमिंग मैं उसे अपने जबरदस्ती सुबह कराऊंगा, क्योंकि स्विमिंग करनी आनी चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ मायशू रह जाएगी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अब हम जैसे हमें घूमने जाना है, बहुत चीजें करनी है, तो हमें मायशू छुट्टी के हिसाब से उस हिसाब से प्लान करनी पड़ेगी। पहले दिन मैं छोड़ने जाऊंगा मायशू को, लेने भी मैं जाऊंगा, शायद तुम भी जाओगी पहले दिन छोड़ने, आप भी चलोगे मायशू को? क्यों, मैं उसकी माँ हूं भाई, मैं जाऊंगा और मैं लेने जाऊंगा, मैं तुम्हें उसकी आदत लगाना नहीं चाहता, मैं मायशू को तुम्हारी आदत लगाना नहीं चाहता स्कूल पिकअप ड्रॉप में। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा
अच्छा दो घंटे भी दूर रहेगा हमारे से, अच्छा तो सोचे अभी नहीं। और मुझे डर है कि मतलब मैं तो ऐसे बोले थे उनको कि आप में आपके जो ये हेल्पर्स होते हैं मेज होते हैं ये डांटती तो नहीं बच्चों को भी सूसू आया या सूसू कपड़ों में कर दिया था पता चल गया तो बाकी स्कूल जो करता है अच्छा ही करता है बच्चों के लिए। भाई हम भी स्थान बनाया है, स्कूल ने बनाया, माँ बाप की मार ने बनाया है। अगला व्लॉग दिल के बहुत करीब होने वाला है, अगला व्लॉग हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मेमोरी हमें देने वाला है, मायशु का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। अगले व्लॉग में मिलते हैं यार। मैं तो भाई माशा को हर रोज आऊंगा यार स्कूल छोड़ूंगा, मुझे बिल्कुल फील आ रही है। और वो जब रात को भागते हुए आएगी 2 बजे जब खड़े होंगे इसके मम्मी पापा, नहीं छोड़ूंगा, एक बंदा वहाँ रहेगा यार आसपास। मैं नहीं बोलूँ मम्मी वो घर है यार, इन केस वो बहुत ज्यादा घबरा गई, टेंशन में आ जाए क्योंकि हमीर मैं ही रह लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही रह लूंगा, मैं ही रह लूंगा भाई, मैं स्कूटी ला के बाहर बैठ जाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक घंटे में ले आना बिल्कुल।